छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धान और किसान के मुद्दे पर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस रिकॉर्ड धान खरीदी के आंकड़े जारी कर बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अब बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। अब तक सोशल मीडिया पर विपक्ष का धर्म निभा रही बीजेपी शायद पहली बार सड़कों पर इस अंदाज में दिखी। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अब शायद सड़क की राजनीति भूल चुकी है, लेकिन डी पुरंदेश्वरी के आने के बाद अब बीजेपी के तेवर आक्रामक दिख रहे हैं। शुक्रवार को धान के मसले पर छत्तीसगढ़ में जगह जगह बीजेपी ने प्रदर्शन किया। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम बड़े नेता सड़कों पर नजर आए। देखिए, भूपेश सरकार को हम लोग नींद से जगाने आए थे, पर आज दिखा कि आक्रोश कितना बड़ा है। वो नींद उड़ाने का विषय आ गया है और आने वाले समय में इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने की पहली अंगराई आ जाए। 255 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उनके लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा की राशि करे, 2 साल का बोनस बाकी है उसको उसका पेमेंट करे। एक तरफ बीजेपी धान के मुद्दे पर सत्ताधारी दल कांग्रेस पर हमलावर है तो उधर कांग्रेस धान खरीदी के आंकड़े बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आंकड़ों से शायद संतुष्ट नहीं। 84 लाख नहीं, 1,84,00,000 टन खरीदे। जब पंजाब 3 लाख टन खरीद सकता है तो भूपेश बघेल सरकार 1,84,00,000 टन क्यों नहीं खरीद सकती। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी बीजेपी जहां धान के जरिए शक्ति प्रदर्शन पर तुली है तो सत्ताधारी दल आंकड़ों के जरिए खेल रहा है, लेकिन इन सबसे आखिरकार किसानों को क्या हासिल होगा इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। कांग्रेस सरकार आने के 25 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। मुद्दा था किसान। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब हम 2500 रुपये दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा धान खरीदी कर रहे हैं, तो फिर प्रदर्शन का आखिर औचित्य क्या है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, 2023 हमारा होगा। किसान लगातार नाराज हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार सो रही है। न्यूज़ 8 के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।